ये इस बीच का मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं कैफे ब्लैक पर्ल है और यही मेन एंट्रेंस के नाम से जाना जाता है। और इस बीच का दूसरा एंट्रेंस भी है जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल मैप के द्वारा आओगे तो इन दोनों एंट्रेंसों में से आप कहीं भी पहुँच सकते हो, ये गूगल के ऊपर है ना कि आपके ऊपर। लेकिन आपको दोनों एंट्रेंस के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप भटक ना जाएं, कहीं इधर उधर ना चला जाएं। तो ये है गोवा का सी बीच, क्योंकि आप लोग हमेशा सर्च करते हो सी बीच इन गोवा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत विदेशी रहते हैं, आप हर दिन बहुत सारे विदेशी लोगों को देख सकते हैं। तो जैसा कि सामने एक लड़की आ रही, विदेशी लड़की चली गई, जस्ट क्रॉस हो गई, और यहाँ पे एक इंडियन अंकल बेच रहे हैं एक ये पॉपकॉर्न जैसे आप लोगों ने बचपन में खाया होगा। तो ये कुछ सी का नज़ारा है जहाँ पे विदेशी और देसी लोग नहा रहे हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत विदेशी रहते हैं, आप कभी भी आओगे गोवा, गोवा में किसी भी सीजन में आओगे तो यहाँ पर आपको देसी के मुकाबले विदेशी ज़्यादा दिखेंगे। तो चलिए अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ विदेशी लोगों को। वो देखो दो लड़कियाँ नहाने जा रही हैं, एक ये लड़की है मस्त इन्जॉय कर रही है सी का। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा लंच करने का, मेरा मन कर रहा है तो मैं उस तरफ चलूँगा, उस रेस्टोरेंट की तरफ चलूँगा जहाँ पे रशियन बैठे हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस बीच को रशियन बीच भी कहा जाता है और इसका ओरिजिनल नाम है अरम्बोल बीच। ये है गोवा का अरम्बोल बीच। अगर आप 2023 में आ रहे हो अरम्बोल बीच तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो मैं रशियन सेक्शन में आ गया हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा लंच करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक विदेशी बैठी है, ये सैक्स थोड़ा पुरानी है, मतलब ये जो कैनोपी है ना, जो अम्ब्रेला, ये पुराने हो सकते हैं, लेकिन मैं नए वाले में बैठूँगा, ठीक है। मैं नए वाले में बैठ के थोड़ा लंच करूँगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। गोवा के सी बीच में ऐसे रास्ते में बियर पीना बिल्कुल मना है, आपको पुलिस पकड़ लेगी। जैसे भाई साहब पी के जा रहा था ना, ऐसे बिल्कुल ही मत करना, नहीं पुलिस आपको ले जाएगी और फाइन अलग से लेगी। तो बिना मतलब में झंझट मत पालना, और अगर आपको पीना है तो जैसे मैं इन सेक्स में बैठ के पी रहा हूँ तो आप भी इनमें बैठ के पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और देख सकते हैं मेरे सामने वो विदेशी लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों का। वो टैटू वाली गर्ल को देखो, टैटू वाली गर्ल भी दिख गई। तो मैं अब लंच कर लिया हूं, मैं आपको लंच करना नहीं दिखाया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो लंच यहां पे बहुत ही मस्त रहता है। अगर बात की जाए अरम्बोल बीच में किसी भी रेस्टोरेंट या फिर बीच सेक्स में बैठे हुए ना, तो आपको लंच बहुत ही डिलीशियस मिलेगा, मतलब फूड बहुत अच्छा ये बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो गोवा के नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा और रेप पार्टी के बारे में भी बताऊंगा और रेप पार्टी भी दिखाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।